न्यूज खबरें आपकी नजरिया हमारा। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, केटीएन खिलाफत न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंकिता सिंह। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस महिला अपराध रुचिता चौधरी जी। इस दुनिया में महिलाओं के कई रूप होते हैं, कभी वो माँ के रूप में होती है तो कभी पत्नी के रूप में होती है, कभी बहन तो कभी दुर्गा के रूप में होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं डीसीपी रुचिता चौधरी जी के साथ। आइए सीधा रुख करते हैं रुचिता चौधरी जी की तरफ और जानते हैं उनसे कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या है उनके विचार। सबसे पहले रुचिता जी, हमारे इस खास कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुचिता जी, हमारा पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति की शुरुआत की, आपको क्या लगता है कि कितना सफल रहा मिशन शक्ति? धन्यवाद। मिशन शक्ति ये कार्यक्रम जो शारदीय नवरात्र से प्रारंभ हुआ है और चैत्र नवरात्र तक चलेगा, अभी ये चल रहा है और इसकी अभी कुछ समय ही हुआ है इसको, और इसमें कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति पुलिस सहित 23 विभागों का के द्वारा संचालन किया जा रहा है, क्योंकि मिशन शक्ति का उद्देश्य है सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तीनों, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वाभिमान, तीनों पर जोर दिया जा रहा है। तो सुरक्षा का वातावरण ही हर चीज़ के लिए आवश्यक है। यदि कोई किसी तरह का आपको विकास चाहिए, आगे बढ़ना है, समाज में सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है और हम लोगों के द्वारा इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें पिंक बूथ बन रहे हैं जो अभी कई संचालित हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं, प्रक्रिया के दौर में हैं, बनाए जा रहे हैं। इनमें महिला कर्मचारी ही होती हैं, जो महिलाएं उधर से गुजरती हैं, यदि उनके साथ कोई छेड़खानी की, पीछा करने की और किसी भी तरह की घटना होती है तो उन्हें थाने तक पहुंचने की कष्ट उठाना या उतना समय लगता है, उनको हर जगह एक पिंक बूथ, ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है पिंक बूथ के लिए, जहाँ से विद्यालय, ऑफिसेस या ऐसे संस्थान जहाँ महिलाएँ ज़्यादा काम करती हों उनके आसपास अप्रोचेबल एरिया में रहें, वहाँ बनाए गए हैं। साथ ही साथ पिंक पेट्रोल नाम से स्कूटी है और फोर व्हीलर हैं जिन पर भी महिलाएं हैं, और जैसी भी सूचना कुछ महिलाओं के अगेंस्ट किसी क्राइम होने की आती है तो तत्परता से उस पर महिला कर्मी एक्शन लेती हैं। और थानों पर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं, उन पर भी महिला कर्मचारी ही बैठती हैं और वो महिलाओं, जो महिलाएं समस्याग्रस्त हैं, अपनी किसी परेशानी को लेकर जाती हैं, उनसे एक अच्छे माहौल में, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में महिला कर्मचारियों द्वारा बात की जाती है, तदनुसार जो उनकी समस्या है उसको सुनकर और उस पर कार्रवाई की जाती है। और हर कार्यालय में, जहाँ भी है, अधिकांश सभी कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ, पुरुषों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी तैनात है कि कहीं जाने वाली महिलाओं को ऐसा महसूस ना हो कि वहाँ उन्हें अपनी बात कहने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है। जी, मिशन शक्ति की शुरुआत हुई और पिंक बूथ भी खोले गए, फिर भी महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, व्यवस्थाएं शुरू की जाती हैं तो जिस दिन शुरू हुई उसी दिन से आप परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिस चीज को बिगड़ने में सदियां लगी हैं, सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, समय लगेगा। हमारा समाज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समाज है जिसमें जनसंख्या है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर धीरे धीरे ही इसमें प्रगति होगी और ऐसा नहीं है कि परिलक्षित नहीं हो रहा है। आपको देखने की आवश्यकता है, उस दृष्टि की आवश्यकता है। आप देखें, किसी जमाने में, किसी समय में न्यूज़पेपर और सूचनाएं सिर्फ महिलाओं के अपराध से ही भरी होती थी, ऐसा तो नहीं है। स्थिति में सुधार हो रहा है और अभी ये मिशन शक्ति तो अभी आपने आधे दौर को भी नहीं पार किया है इसने, और इसके समापन तक आपको परिणाम परिलक्षित होंगे। शहर के प्रमुख चौराहों पर पिंक बूथ तो बनाए गए हैं लेकिन उनका संचालन नियमित नहीं हो पा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, आप कहीं आपने देखा हो कि संचालन नियमित नहीं हो, आप बताएं। मैंने आपको बोला अभी सभी 100 नहीं बन पाए हैं,
कुछ संचालित हो रहे हैं और कुछ निर्माणाधीन है। ये सब भी आपने निर्माणाधीन को देखा होगा। जी नहीं, अब काफी बन के तैयार पड़े हैं और उससे मतलब पूरी खाली पड़े हुए हैं, उससे कोई कोई भी नहीं है। एक इंसान तो आपके होना चाहिए, मान लो कोई महिला गई अपनी समस्या किससे कहेगी। आपने ये नहीं देखा ना कि निर्माण होने के बाद क्या समस्या है? उसमें बिजली का कनेक्शन हुआ है, पानी का कनेक्शन हुआ है, सीवर का कनेक्शन। सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा होने से बन गया नहीं है मैडम। अभी जो नहीं बने हैं, जो हैंडओवर नहीं हुए हैं, कार्यदायी संस्था निर्माण निगम है जो उसका निर्माण कर रही है। जब वो निर्माण पूरा कर लेती है तब वो हमको हैंडओवर करती है। तो आपने जिनको देखा होगा वो अभी पूर्णतः निर्मित नहीं होंगे। महिला पुलिस कर्मियों की भी काफी समस्याएं होती हैं, खास तौर पर विवाहित महिला पुलिस कर्मियों की। आप भी एक महिला हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, समस्याएं तो सबकी हैं। क्या आपके साथ कोई समस्या नहीं है? समस्या तो सभी के साथ होती है, उनका संयोजन करना पड़ता है। महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए पहले एंटी रोमियो स्क्वाड और अब मिशन शक्ति, क्या लगता है आपको दोनों में कौन ज्यादा प्रभावशाली रहा? एंटी रोमियो अभी भी चल रहा है, वो भी मिशन शक्ति का एक पार्ट बना दिया गया है। एंटी रोमियो एक अलग तरह की समस्या के लिए है, जो महिलाएं घर से बाहर निकली, विभिन्न स्थलों पर गई। एंटी रोमियो डोमेस्टिक वायलेंस से कोई लेना देना नहीं था इसका, ना है। तो हर समस्या के लिए अलग अलग चीज़ों को जोड़ा गया। सिर्फ एंटी रोमियो से ही सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता था, इसीलिए मिशन शक्ति को भी लाया गया। दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे का पार्ट है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। और अंत में रुचिता जी, महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए कोई संदेश? देखिए, कुछ एक तो आप अपने आप को सक्षम बनाने के लिए आप पहले शिक्षित हो, यह कोशिश करें कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। विवाह आवश्यक है समाज के लिए, पर एकमात्र विवाह ही अंत ना मान लिया जाए। जैसे होता है कि लड़की पैदा हुई, माँ बाप को ये चिंता होती है कि बस की शादी करनी है, वो उद्देश्य ना रहे। बल्कि हर माँ को सोचना होगा कि मेरी जो स्थिति थी, मेरी बेटी की स्थिति ऐसी ना हो, इसलिए उसे शिक्षित करें, उसको उसके पैरों पर खड़े कराएं। साथ ही यदि समस्या हो जाती है तो मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स बताना चाहूँगी। आप सभी 1090 से परिचित हैं, उन पर अपने आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ 112 है, जिसका नेटवर्क पूरा यूपी में फैला हुआ है, आप सभी परिचित होंगे। कुछ कुछ निर्धारित डिस्टेंस पर है, लगभग कहीं से भी कंप्लेंट की जाए तो विदिन 5 to 10 minutes हमारी व्हीकल्स पहुंच जाते हैं और पे कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ 181, कोई महिला अकेली पीड़ित कहीं दिखती है, ऐसी है जिसके पास कहीं और जाने का साधन नहीं है, 181 पे वो संपर्क कर सकती है। वहाँ ना केवल उसके अपराध से संबंधित समस्या का निराकरण किया जाता है, बल्कि उसे स्किल भी सिखाई जाती है और साथ ही साथ उसके रिहैबिलिटेशन का भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगर हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं तो आप जैसा जानते हैं 102 एंड 108 भी, इसमें विशेष उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता से देखें और उन पर एक्शन लें। और हमारा यहाँ इस कार्यालय का एक हेल्पलाइन नंबर है 9454400290, जिसे सब इंस्पेक्टर्स रिसीव करती हैं, लेडी सब इंस्पेक्टर। इसमें भी महिलाएं अपनी समस्याओं को बता सकती हैं, मेरे कार्यालय में आ सकती हैं, कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं, तो जो भी उनकी समस्या है उसका यथासंभव निराकरण किया जाए। रुचिता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में फिर किसी ऐसी ही नई शख्सियत के साथ। सवाल और मुद्दे जनता से जुड़े होंगे, दर्शक हमारे मेहमान से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी टाइप कर सकते हैं। हम लेंगे आपके भी सवालों के जवाब। देखते रहिए KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा, और देश दुनिया भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KTN खिलाफत न्यूज। आप हमारे KTN पेज को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए अंकिता सिंह को इजाजत, नमस्कार।